बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़दली खल्क़िल्लाह वअला आलिही वअसहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सैयद आलम शफी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिही वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि जब भी दुरूद पढ़ा करो तो पूरा दुरूद पढ़ा करो, कटा हुआ नामुकम्मल दुरूद न पढ़ा करो। और फिर इसकी वजाहत फरमाई और उस वजाहत का मफहूम यह है कि कटा हुआ दुरूद वो है कि जिसमें आल पर ना पढ़ा जाए, और पूरा दुरूद वो है जो हुजूर पर भी और हुजूर की आल पर भी पढ़ा जाए। हम सब बारगाह अकदस में हदिया सलाम पेश करें, सलात वसलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला अलिका व सहाबिका या सैयदी या हबीबल्ला। 1443 सन हिजरी का 10 मुहर्रम आ गया, लेकिन 61 हिजरी के 10 मुहर्रम को वो बहुत बड़ा सानहा रूनुमा हुआ कि सदियां बीत गईं, उस शाग के दिल आज भी ज़ख्मी हैं, मुहिब्बीन की आंखें आज भी उस गम को याद करके पुर नम हैं। आखिर हुआ क्या? सदियां बीत गईं, तज़किरा हुसैन गली गली करिया करिया, और उसकी मिसाल ये आज की बज़म भी है, इसका सबब क्या है? तो इसकी सादा सी वजाहत और जवाब यही है, हुसैन किसी मामूली फ़र्द का नाम नहीं है। सरवर आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। गिरामी कदर हजरात, ये किसी नकीब की नकाबत का हिस्सा नहीं और किसी खतीब की अदाए खतीबाना नहीं, बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा, यानी जो उस ज़बान अक़दस से निकलता है। ज़बान हक़ तर्जुमान तो वही है, लेकिन कलाम रब्बुल इज़्ज़त का होता है। हुजूर फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। दूसरी हदीस पाक समात फरमाइए, इब्ने कसीर ने इसे अलबदाया वन नहाया में लिखा, और ज़रा नाज कीजिए अपनी किस्मतों पर कि सैयदुल आलमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करे। अपनी मोहब्बत की कसौटी, अपनी मोहब्बत की दलील, अपनी मोहब्बत के दावे की दलील, वो आका अलैहिस्सलातु व सलाम अपने नवासे मज़लूम करबला की मोहब्बत को करार देते हैं। क्यों करिया करिया नगर नगर याद हुसैन है, और आहले सुन्नत की आंखों की क्यों वो ठंडक हैं, ये हमारी बात तो नहीं है। 10 मुहर्रम को, 61 हिजरी के 10 मुहर्रम को जुम्मे के दिन इमाम अर्श मकाम हुजूर पुरनूर सैयदना इमाम हुसैन मज़लूम करबला अला जद्दिल करीम व अलैहि सलात व तस्लीम ने खुतबा दिया। उस खुतबे की 3 पहली लाइनें ऐसी हैं कि अगर हजरत इमाम उन पहली 3 सत्रों में आसमान से मुखातब होते तो आसमान का कलेजा फट जाता, ज़मीन से कहते तो ज़मीन कांप जाती। हजरत उस्ताज़ुल उलमा ज़ीनत अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सैयद रिज़वी साहब की नज़र ये 3 सत्रे करना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया, लोगो जल्दी न करो, मुझे पहचानो कि मैं कौन हूं। ये कोई मामूली जुमले नहीं है, आगे एक आगे 2 सत्रे बाकी हैं। लोगो मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मैं हुसैन इब्ने अली हूं, और मैं बतूल जहरा जो रसूलुल्लाह की बेटी हैं मैं उनका बेटा हूं। गिरामी कदर हजरात, मैदानों में जब जवान उतरते हैं तो वो अपना नाम लेते हैं और अपनी वल्दियत जिक्र करते हैं। हजरत इमाम से पहले मैं अपने नाकस मुताले की बात कर रहा हूं, हमने नहीं कही पढ़ा कि जिसने साथ अपनी वालदा का तारुफ भी कराया हो। यही तो मैंने आपसे अर्ज की है कि ये आसमान का कलेजा ना फट जाए अगर इमाम उससे कहते, लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मैं अली का बेटा हूं, और अगर अली का बुग्ज नाग बनकर तुम्हारे दिल पे डंक मारता है तो बतूल जहरा की हया कर लो, मैं रसूलुल्लाह की बेटी का बेटा हूं। आवाज कमजोर है जी,
मैं रसूलुल्लाह की बेटी का बेटा हूं। और इसके बाद आपने फरमाया, मैंने जब से होश संभाला है कभी झूठ नहीं बोला। ओ सदके इमाम। और यहां मैं रोक कर अर्ज करूंगा, उस जबान से भला झूठ निकल भी कैसे सकता है? हाँ हाँ, मैं इसके लिए आपको दलील देने लगा हूं। यह है खातिमुल उफाद इमाम सयूती की खसाइस कुबरा। मदीना मुनव्वरा में एक बीबी थी जिसकी जुबान पर फोश गोई होती थी, वो गालियां भी दे देती थी, तुर्श और तीखी बात भी कर देती थी, मिजाज के अंदर उसके बड़ी शिद्दत थी, लोग उसकी बदजुबानी से तंग भी थे। एक दिन वो हुजूर के करीब से गुजर रही अलैहिस्सलाम, सरकार खुश्क भुना हुआ गोश्त तनावुल फरमा रहे थे, हुजूर ने उसका एक नवाला लिया, दंदाने अकदस से हुजूर उसको बरकत दे रहे थे, वो बीबी सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, मैनू भी दियो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो बचा हुआ नवाला था तबर्रुक शरीफ वो उसके आगे कर दिया। उसने कहा, मैंने ये नहीं लेना, वो जो आपके दान शरीफ में है मुझे वो चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दाहने अकदस से वो गोश्त का हिस्सा जिसे दहन पाक की और दंदाने अकदस की के जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नुजहत पे लाखों सलाम, उसकी बरकत मिली थी। करीम ने वो गोश्त का हिस्सा दहन से निकाल कर उस बीबी को दे दिया, उसने खा लिया। अब आपके अगर सुभान अल्लाह कहने का टाइम हो तो पहले सुन लेना, उस दिन के बाद कभी उस औरत की जबान पे गाली नहीं आई, कभी फोहज गुफ्तगू नहीं आई, कभी लहजे में तराखी और शिद्दत नहीं आई। और अब तो आपके यकीनन बोलने का वक्त है, जो दंदाने अकदस और दहन शरीफ से लगे हुए गोश्त के टुकड़े को खा ले उसका मुंह इतना पाक हो जाए कि फिर वो कभी गाली ना निकाले, तो जिसने रसूलुल्लाह की जुबान को कई बार चूसा हो, कौन अंदाजा कर सकता है उस जुबान की पाकीजगी का, उसकी तहारत और सफाई का। हजरत इमाम फरमाते, लोगों मैंने जब से होश संभाला है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अब आगे आप बहुत बड़ी बात करने लगे हैं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मेरे नाना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुझसे और मेरे भाई हसन मुजतबा से एक दिन फरमाया था, तुम दोनों, अब ये दोनों जो कहा है मैंने, अगले जुमले के दो हिस्से हैं, तुम दोनों कौन, हसन और हुसैन, तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो और अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। स्टेज से लेके पंडाल तक सारे आज हुसैन इब्ने अली की गली के दरियूज़गर नौकरों फकीर हैं, और जिसे इस फकीरी पे नाज नहीं उसको दुनिया की बादशाही में भी कुछ नहीं मिल सकता। आप बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहियो, अहले सुन्नत की बात हो रही है। मैं आपको समुद्री के छपने वाले लोकल अखबार की खबर नहीं, मजलूम करबला ने जो हदीस मैदान करबला में पड़ी वो सुना रहा हूं। तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो और अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। आइए तीसरी हदीस पाक सुनिए, इसको हाफिजुल हदीस इमाम हैसमी ने मजमू जवायद में लिखा। क्यों हुसैन इब्ने अली की इतनी याद है, बहुत कुछ समझ में आएगा। जन्नत और जहन्नम का मुनाजरा हो गया, जन्नत अपनी फौकियत जाहिर करे और दोजख अपनी बालादस्ती मनवाने की कोशिश करे, मैं बेहतर हूं, वो कहे मैं बेहतर हूं। दोजख ने जन्नत से कहा, तेरे पल्ले क्या है? उसने कहा, मुझ में हीरो हूर और गिल्मा है, मुझ में नूर और अनवार है, शराब तहूरा शहद और दूध की नहरें हैं, अल्लाह की रहमत का मरकज हूं मैं, मोमिनीन का ठिकाना हूं मैं। अब जन्नत ने अपने फजाइल बयान करके कहा, तेरे कोल की है? दोजख ने कहा, बड़े बड़े मगरूर, बड़े बड़े रांदाए दरगाह, हामान शद्दात नमरूत फिरौन जैसे लोग मेरे अंदर मौजूद हैं, जो रब ने मुझे उनका तकब्बुर तोड़ने को बनाया है,
जन्नत हो गई चुप। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से फरमाया, जवाब क्यों नहीं देती? तो रजा चौक वाले मैं भी पूछना चाहना, तुसी क्यों नहीं बोले, जवाब क्यों नहीं देती? उसने कहा मालिक मैं इसको क्या जवाब दूं? लो जनाब सुनिए, अरशों के मालिक ने फरमाया, क्या मैंने तुझे, ये रब जन्नत से फरमा रहा है, क्या मैंने तुझे हसन और हुसैन, हसन और हुसैन, हसन और हुसैन के जरिए जीनत नहीं अता फरमाई? शुगर है, नारा भी लगता है, मैंने तुझे हसन और हुसैन के जरिए जीनत नहीं दी, हसनैन जन्नत की जीनत का नाम है। जीनत किसे कहते हैं? जो चीज किसी चीज को खूबसूरत करने के लिए हो, डेकोरेट करने के लिए हो, आरास्ता और मुजयन करने के लिए हो। खुद सोचिए, जिस जन्नत की खूबसूरती का नाम हसन और हुसैन है, जिंदा हजरात बोलिए जनाब, सिर्फ जिंदा हजरात। ये मैं पांचवीं तकरीर कर रहा हूँ, किसी पर एहसान नहीं है। हमारे दादा मुर्शिद आकाए नेमत सैयदी वसनदी आकाई व मलजी मलजाई कंजी व जुखरी मुहद्दिस आदम पाकिस्तान फरमाते थे, ये उनका करम है कि हमारे मुँह से अपना जिक्र करवा लेते हैं। ते एडा थक थुक के कोई ना बखाओ, ते एडी भी सुभान अल्लाह साम के ना रखो कि साढ़े शहर का खतीब है। जे हूँ थोड़े को आ ही गए तो सुभान अल्लाह भी आख लो। मैं दानू को गप नहीं सुनांदा पिया। जिस जन्नत की खूबसूरती का नाम हसन है और जिस जन्नत के हुस्नो रानाई का नाम हुसैन है, कौन है वो अकलमंद जो उनके रुतबे को अकल की तकड़ी में तोल सके? आइए अगली हदीस समाप्त कीजिए। नायब मुहद्दिस आजम का गुलाम बेदाम हूं, ये 50वां चराग है करबला वालों के लिए नजर होता है रजा चौक में। यही तो हुजूर मुहद्दिस आजम का फैजान है जो हमें नायब मुहद्दिस आजम से मिला। रबीउल अव्वल का जुलूस हो, करबला के शहीदों की याद हो, वलिल्लाहिल हम्द। गुजारिश करना चाहता हूं, गौर फरमाइएगा, ये जो हदीस पाक आपको सुना रहा हूं, ये हदीस पाक तबरानी में भी है और मजमा जवायद में भी है। मजमा जवायद वाले मुहद्दिस ने इसको मुनाकिब के चैप्टर में लिखा, रावी इसके हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज पढ़ाई, कहाँ? मस्जिद नबी शरीफ में। आखिरी रकत के आखिरी सजदे थे, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन कमारैन मुनव्वरैन सिबतैन। क्या बात रजा, क्या बात रजा, इस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। शहजादे आए और हसब मामूल पुश्ते अनवर पे सवार हो गए। सरकार ने दो सजदों की तकमील फरमाई। सलाम के बाद हजूर ने रुखे अनवर शम्मे रिसालत के परवानों हिदायत के दर खशिंदा सितारों कुल लौ वअदल्लाहुल हुस्ना, चाहे चाहे किसी ने हिजरत से पहले कलमा पढ़ा, चाहे हिजरत के बाद, जो हबीब तेरे दामन से लग गया, शर्फे सहाबियत से बारामंद हो गया, जन्नत का खालिक सूरह हदीद है, जन्नत का खालिक मालिक फरमाता है साडा उन्होंने वादा हो गया है जन्नत दा। अच्छा कुरान शरीफ की गल है कि बाबे बुल्ले शादी नहीं है, उची आवाज नाल बोलो ना जनाब जी, कुल लौ वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने जन्नत का वादा सबसे कर लिया। अब सुनिए, वो अजीम जमात, सरकार ने उनकी तरफ रुख किया। शहजादे अभी शानों पर सवार थे, हजूर ने दोनों को उतार के गोद में बिठाया। क्या हसीन मंजर है, मस्जिद नबवी हजूर की गोद, हसनैन करीमैन, सामने साहबा किराम। अब जाने आलम ने कलाम का आगाज फरमाया। यहां मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोलना चाहूंगा ताकि पूरी चीज की समझ आ जाए। फरमाया, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं उनकी जो तुमसे बेहतर हैं
नाना और नानी के एतबार से, वालिद और वालिदा के एतबार से, मासियों और मामों के एतबार से, चाचे और फूफी के एतबार से। सहाबा इकराम ने अर्ज की, ए जाने जा हुक्म फरमाए, फरमा वो हसन और हुसैन हैं। हदीस अभी खत्म नहीं हुई, वो हसन और हुसैन है। फिर मेरे करीम ने खुद फरमाया, इनके नाना सैयदुल अंबिया हैं, इनकी नानी उम्मुल मोमिनीन मखदूमा खदीजतुल कुबरा हैं, इनकी वालिदा बतूल जहरा हैं, इनके वालिद अलीजुल मुर्तजा हैं, इनका चाचा जाफर तैयार है, इनकी फूफी उम्मेहानी है, इनकी मासियां, मासियां कौन होती हैं, माँ की और खाला कहते हैं उनको, इनकी मासियां सैयदा तुना रुकैया, सैयदा तुना जैनब, सैयदा तुना उम्मे कुलसूम, और हदीस में लफ्ज हैं आगे, सैयदा तुना रुकैया, सैयदा तुना जैनब, सैयदा तुना उम्मे कुलसूम रसूलुल्लाह की बेटियां। मैं हैरान हूं, कुरान गवाह हो, हुजूर खुद फरमा रहे हो, फिर भी हमें किसी रिसर्च की जरूरत है? बोल लेंगे थोड़ा सा, और रिसर्च वास्ते यूनिवर्सिटी कौन सी है, फेसबुक शरीफ, यूट्यूब, सारे मुजद्दिद हैं फेसबुक पे, समझाइए। वो तो हज़रत मुजल्ल पसानी से आगे बढ़ने का दावा करे, स्टडी कर रहे हैं कहाँ, यूट्यूब पर। मेरे भाई, इलम बड़ी चीज है, और ये दो चार लफ्जों के खेल का नाम नहीं है। फरमा सैयदा तुना रुकैया, सैयदा तुना उम्मे कुलसूम, सैयदा तुना जैनब रसूलुल्लाह की बेटियां, इनकी मासियां हैं, और हजरत इब्राहिम व हजरत कासिम रसूलुल्लाह के बेटे, इनके मामू हैं। हदीस का आखिरी हिस्सा, अल्लाह आपको सलामत रखे, 50 साल का हसीन सफर, और ये सफर अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे जो इस पैराना साली में भी इस अलम को उठाए हुए हैं। और यही तो नामे हुसैन की बरकत है कि जमाना गुजरता रहेगा, लोग आते ड्यूटियां देते रहेंगे, जब हम ना थे नामे हुसैन तब भी था, और जब हम ना होंगे जिक्र हुसैन तब भी होगा। पाँव पीछे करके बैठो भाई, ग्राउंड नहीं है, पाँव पीछे करके बैठे, तवज्जो कीजिएगा, जलसों के आदाब सीखें। क्रिकेट का ग्राउंड और होता है, मिलाद और मुहर्रम की महफल और होती है, समात कीजिए। मैंने पहले कहा थोड़े शहर दाने दाव दूसरी इंज कर दियो, समात कीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनके नाना जन्नती हैं, इनकी नानी जन्नती है, इनकी वालिदा जन्नती हैं, इनके वालिद जन्नती हैं, इनका चाचा जन्नती है, इनकी फूफी जन्नती है, इनकी मासियाँ जन्नती हैं, इनके मामे जन्नती हैं, ये दोनों खुद भी जन्नती हैं, और जो इनसे मोहब्बत करे, ये हैं हसनैन करीमैन। कोई छोटा रुतबा नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। आइए एक हदीस और सुनिए, सुभान अल्लाह, एक हदीस बात और सुनिए। हजरत जाबिर इसके रावी, मुस्तफ़ा जान रहमत शफी उम्मत अलैहि सलातु व सलाम सामने से तशरीफ ला रहे हैं, एक कंधे पर इमाम हसन, दूसरे कंधे पर इमाम हुसैन। हजूर एक शहजादे का सर झुकाते हैं, अपना सर उठाते हैं, मुंह चूमते हैं, फिर दूसरे का सर झुकाते हैं, अपना सर अनवर उठाते हैं, मुंह चूमते हैं। यूं ही चूमते चूमते आए, हजरात उलमा की नज़र एक जुमला और नुकता है, ये तो सब सुनते कहते पढ़ते आए कि सरकार ने कंधों पर बिठाया, कभी कंधों से बैठने वालों से पूछिए कि आप फकत कंधों पर ही होते थे या कुछ और नज़ारे भी करते थे, और अगर आप मुझसे पूछो ये कहाँ की हांक रहे हो, तो ये शाख मुहक्किक की मुदारिजुन नबुवा है। शाख मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, फतह मक्का के दिन अल्लाह के हबीब अकदस अलैहि सलातु वस्सलाम ने मौला मुर्तजा शेर खुदा को फरमा, कंधों पे चढ़ जो अली, बुतों को तोड़ के फेंक दो मौला अली हजूर के कंधों पर, और कमरा कौन सा, बैतुल्ला शरीफ। और जब अली पाक कंधों पे चढ़ गए तो हजूर फरमाते, अली कहां तक पहुंचे हो? कहां तक पहुंचे हो?
अर्ज की, मेरा माँ बाप आप पे कुर्बान। अली अपने आप को इतनी बुलंदी पर महसूस कर रहा है कि अगर हाथ बढ़ाए तो अर्श का पाया पकड़ ले। अब आप बतलाइए। और फिर यही नहीं, शेख मुहक्किक ने लिखा कि हजरत मौला मुर्तजा ने कंधे से छलांग लगाई जमीन पर और हंसने लग गए। फरमा अली हंसते क्यों हो? हजूर इड्डी उच्ची जगह तो छाल मारी है, सट कोई नहीं लगी। हजूर सट कोई नहीं लगी। अब समझिए, अली एक दिन कंधों पे सवार हो तो अरश का पाया छूने की पोजीशन में आए, जो रोज सवार होते थे खुदा जाने वो कहां कहां की सैर करते थे। अब आबे जी वकार ये अच्छा। अब चूमते चूमते हजरत जाबिर फरमाते हैं, हजूर हमारे करीब आ गए, एक साहिब ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं? सुभान ना, तो ये अंदाज ना तो मोहब्बत करने का इलम कोई नया था उनके लिए, पर आज खुदा जाने देखने वालों ने क्या प्यार देखा कि पूछने वाले पूछने पे मजबूर हो गए कि आप इनसे बड़ा प्यार करते हैं। मेरे करीम का जवाब सुनिए। मैं अपने जौक में कहता हूं और बितरतीब ऐसी मैं लिल्लाह अलहम्द आपको कई हदीसें सुना सकता हूं हुजूर नायब मुहद्दिस आजम की बरकत से, कि ये जो पहला जुमला है ना जवाब का, यही रूह को ताजा कर देता है। हुजूर आप इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं? सरकार ने जवाब दिया, ये मेरे बेटे हैं। नाराय तकबीर, नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय तहकीक, नाराय हैदरी, नाराय हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। ये मेरे बेटे हैं, क्या चाशनी है, क्या अपनाइयत है, क्या लज्जत है, क्या कुर्ब का इजहार है। ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं, तवज्जो रहेगी सबकी, ये मेरे बेटे हैं। आगे फरमाया, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे बुग्ज रखा उसने मुझसे बुग्ज रखा। आप देखिए, ये हैं हसनैन करीमैन। लीजिए एक हदीस और सुनिए, सुभान अल्लाह। अच्छा हदीस ने सुभान अल्लाह आखण की बजाय तुम सजे खबे वेंदे हो, कौन आया कौन गया? भाई जी आप भी तशरीफ फरमा हो जाएं, मेहरबानी आपकी, तशरीफ फरमा हो जाएं। हदीस बाग सुनिए, इस हदीस को रिवायत किया हजरत सैयदना याला रदी अल्लाह ताला उन्होंने, फरमाते हैं जोहर यासर की नमाज मस्जिद नबी शरीफ में पढ़ी, किसी ने शरफ पाया अर्शों के मेहमान को घर मदऊ करने का, दावत थी। सरकार सानू फरमा तुसी भी चलो, हम भी पीछे पीछे हो लिए। गली आई, हजूर रुक गए। या अला रदी अल्लाह अन फरमाते हैं, मैं आगे बढ़ा, देखूं क्या माजरा है। मैंने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं और उसमें हुजूर का फूल, हुजूर का चांद, मखदूमा का लाडला, शहीदों का सरदार, सैयद शुहदा, इमाम अर्श मकाम रदी अल्लाह ताला अन हो बच्चों में खेल रहे हैं और हजूर अपने नवासे को खेलता देख के मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। अब यहां पर कोई लिमिट नहीं, कैद नहीं बयान कर सकते हम अपनी तरफ से, वो एक मिनट रुकना था, पांच मिनट रुकना था। सरकार मुलाहजा फरमाते रहे, सरकार का रुकना केड़ा थोड़ी जी गल है, सरकार दो मेराज पे चले जाएं, कायनात की नब्जें रुक गईं। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अब क्या किया, हजरत याला की जुबान से सुनिए, फरमाते हैं जाने जाना अलैहिस्सलातु व सलाम ने
हजरत इमाम हुसैन के दिल को लुभाना चाहा, उनके लबों पर मजीद मुस्कुराहट लानी चाही, और इसके लिए हुजूर ने अपने हाथ आगे बढ़ाए के हजरत इमाम को पकड़ लें। जब हाथ आगे बढ़ाए तो मजलूम करबला दौड़ के दूसरी तरफ चले गए। सरकार ने नहीं फरमाया नु फड़ के ले आओ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, हुजूर खुद गए, हाथ आगे बढ़ाए। जब हाथ आगे बढ़ाए इमाम हुसैन हंसते हंसते इस तरफ आ गए, हुजूर इस तरफ तशरीफ ले आए। अब खुदा जाने ये आना जाना कितनी बार था, लेकिन एक बार ठहर के सोचो तो सही, कर कौन रहा है? ये कर कौन रहा है? अब सरकार ने इमाम हुसैन को पकड़ लिया और पकड़कर एक हाथ गर्दन मुबारक की गुद्दी पे रखा पीछे टेक लगाने के लिए, दूसरे हाथ से अपने नवासे की ठोड़ी के नीचे रख के मुंह ऊपर किया, अगर लज्जत महसूस कर सको तो करना, ठोड़ी से ऊपर किया, और फिर या अल्लाह फरमाते हुजूर ने अपना सरे अनवर खमीदा किया, झुकाने लग गए, फिर हुजूर ने अपने होंठ इमाम आली मकाम के होंठों पे रख सुभानअल्लाह और बोसा लिया, और बोसा लेने के बाद निगाह आसमान की तरफ की और कहा इलाही मैं इससे मोहब्बत करता हूं, इलाही मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। ये प्यार है जो मदीने की गलियों में भी हुजूर देते हैं, और ये प्यार है जो नमाज की हालत में भी मिलता है। और जब ये कह दिया तो फिर हदीस सुनिए, कितनी उम्रें हो गई हमारी, कहते सुनते वो सजदे में आके सवार हो जाते थे। अच्छा एक काम और भी होता था, हुजूर कयाम में होते अलैहिस्सलाम, शहजादों की कितनी हसीन जिद है कि नाना जान के कदमों के बीच से गुजर के पीछे जाना है, पीछे जाके फिर आगे आना है, फिर गुजर के जाना है। आपकी हम आंगी नहीं है हमारे साथ जनाब, हम क्या कह सकते हैं आपको, शहजादे जो हुए, शहजादे जो हुए। अब कदमैन शरीफ हैं में इतना फासला नहीं कि वो बआसानी गुजर जाएं, हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, ओए मसले किन्ने बयान कर दें, सज्जा गूठा हिल जाए तो नमाज गई, हालांकि ये मसला नहीं है। अच्छा सरकार कदमों को कुशादा करते हैं, मर्जी आपकी जनाब, सवेर से आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, बंदा थक भी जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। हुजूर कदमों को कुशादा करते हैं और शहजादे बीच से गुजर कर पीछे, फिर घूम कर आते हैं पीछे, फिर क्या होता है, सजदे की हालत में आके सवार हो जाते हैं। एक बार तो इतना सजदा लंबा हुआ, ये तस्वीरों की गिनती तो लोगों ने अपनी तरफ से जोड़ी है, हदीस में इतना है, रावी कहते हुजूर ने इतना लंबा सजदा किया कि मुझे खदशा हुआ कि रूह अनवर वजूद अकदस से परवाज कर गई। कहते हैं मैंने सजदे से थोड़ा सर उठा के आगे देखा तो हुजूर की पुश्ते अनवर पर एक बच्चा था, मापा फिर सजदे च, फिर सजदे च, नमाज हो गई मुकम्मल। जब मुकम्मल हो गई तो खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की आका आज खिलाफ मामूल सजदे को तूल बख्शा, इसका सबब क्या था? फरमा जब हम नमाज पढ़ रहे थे ना, बाद रिवायतों में इमाम हसन का जिक्र है, बादों में इमाम हुसैन का, बहरहाल दोनों ही फूल हैं। फरमाया जब हम सजदे में गए ना तो हसन आ गया और वो पुश्त पे सवार हो गया। लेकिन अगली आधी सतर है, आधी सतर अगर आप मुआवनत फरमाएं तो, आधी सतर हसन आकर पुश्त पर सवार हो गया तो हमने कहा ये अपनी मर्जी पूरी कर ले, जिम्मेदारी मेरी है, आपने सिर्फ सुभान अल्लाह कहना है।
क्या बात। हमने कहा अपनी मर्जी पूरी कर ले, अपना शौक पूरा कर ले। गोया महसूस होता है कि शायद सजदे से उठने का वक्त था कि वो आ गए। तो बच्चे एक पोजीशन बनाई होंगी है कि हूँ असी इन्नी देर रुकना है, तो जे जांदियां ही सजदे तो सिर चुक हो जाए तो फिर जौक नहीं पूरा होना। का है रब की नमाज, सजदा भी उसके लिए, मर्जी वो पूरी कर ले, शौक वो पूरा कर ले। हमने कहा जब ये अपनी मर्जी से उतरेगा हम भी सजदे से सर उठा देंगे। ये मामूली घर नहीं है। कुछ समझ आ रही है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह कह के जवाब दीजिए। कुछ समझ आ रही है बात की? मैं आपको ये बातें यूं बता रहा था, एक इसके साथ रिवायत और ऐड कीजिए। इब्ने कसीर ने इसे अल-बदायम और दीगर ने भी इसको नकल किया और सियाको सबाक से मालूम होता है कि यह वाकया मस्जिद नबवी शरीफ का नहीं है। सैयद आलम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं और यहां जमात का तज़किरा भी नहीं है। जैसे तन्हा नवाफिल अदा फरमाए जाते हैं, हुजूर वो अदा फरमा रहे थे, इमाम पाक दौड़ते दौड़ते आए, हस्ब मामूल वही करना, जाके सीने से लिपटना है या कंधों पे सवार होना है, जे क्याम होवे तो कदमा पाकों के बीचों दी लंघना है, हुजूर अता याद में हो तो गोदी में जाके बैठना है। और आपको सुभान अल्लाह कहने की फूली छुट्टी है अगर आप कहना चाहेंगे तो। समझा रही है? अब गौर कीजिए, शहजादे दौड़े हुए आए, अब मालूम होता है कि कोई नया बंदा है। उसने जब हजरत शहजादा ए अर्श मकाम को जाते देखा ना, तो उसने हुजूर की हजरत इमाम पाक की कलाई पकड़ ली। आशिक है और इसके अदब का तकादा यह था कि हुजूर नमाज पूरी कर लें फिर शहजादे चले जाएं। शहजादे अब कलाई छुड़ा रहे हैं, छोड़ो 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 छोड़ो, हमें वहां जाना है, कलाई छुड़ा रहे हैं। खुदा जाने इसमें कितने सेकंड गुजरे या कितने मिनट, अल्लाहु व रसूलहु आलमु बिस्सवाब। लेकिन रावी कहता है शहजादे कलाई छुड़ा रहे थे कि छुटें और हुजूर की गोद या कंधों पे सवार हो जाएं, और वो छोड़ नहीं रहे थे। अब गौर कीजिए और जानिए कि हुसैन कौन है। सरकार ने नमाज पढ़ते पढ़ते हाथ उठाया। जनाब कभी खामोश अल्फाज की तकरीर भी होती है जिसके जवाब में सुभान अल्लाह जरूरी होता है। इशारा देखिएगा, हजूर ने नमाज में हाथ उठाया और कलाई पकड़ने वाले को मना किया और दूसरा इशारा। अल्लाह अल्लाह, ये है मकाम हुसैन। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी। अच्छा, ये इतनी बातें मैंने यके बाद दीगरी इसलिए की कि मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं आप हजरात की खिदमत में। नमाज पढ़ रहे हो ना, एक कदे न्याणे दी खाप पाए तो हमारे बाज बुजुर्ग होते हैं जो सलाम फेरते ही पहले निगाहे जलाल उधर करते हैं, भी दफा आख्या ना लैके आया करो, हाँ नमाजा साड़ियाँ खराब कर दें, ध्यान ना पढ़न भी नहीं दें दे। अब जिगरे से ये जुमला सुनना, हमें आज तक आधी सतर भी नजर नहीं आई किसी साहबी ने इतराज किया हो, आधी सतर भी नहीं है कि ठीक है हुजूर को, हुजूर आपको प्यार है पर नमाज में खलल आता है। गौर फरमाइए, कुछ कह रहा हूं मैं आपसे, किसी ने कहा हो, चलिए हुजूर से नहीं कहा, अली पाक से तो फ्रैकनेस थी, अली पाक से बरादराना कहा हो कि आपको पता है हुजूर इनसे प्यार करते हैं, वो सारा ठीक है पर मस्जिद का डिसिप्लिन नहीं रहता, कभी गोद में आके बैठते हैं। अब देखो ना, एक बार यूं हुआ कि ये पुश्ते अनवर पे सवार हुए ना, तो हुजूर ने अब क्याम की तरफ जाना है ना,
तो सरकार इनको उतारते हैं नीचे। ये उम्र का वो दौर होगा जब हाथों की गिरफ्त इतनी मजबूत नहीं थी कि गिर ना जाएं, उतार कर बिठाना। अल्लाह अकबर करे कोई मौलवी साहब। मौलवी साहब कहते हैं हमारे कानों में एक भनक पड़ी, यजीद भी शहजादा, हुसैन भी शहजादा। हमने कहा यजीद तो पुरानी बात हो गई, आप जरा अपने बच्चों को लाइए मुसल्ले पे। जिंदा हजरात को इजाजत है सुभान अल्लाह कहने की। गुजारिश ये है एक दिन किसी ने अली पाक से कहा हो कि ना लाया करें, मस्जिद का माहौल खराब होता है, नमाज में मामला आता है। जिन्होंने पता ही ये होवे कि हजूर दियाँ अदावां दा ही ना नमाज है, उनको इससे क्या गरज कि हसन सुबह आए कि शाम आए, कंधों पे बैठे के गोद में पुश्त पे सवार हों या हालत रुकू में कदमों के बीच से गुजरे। किसी एक ने कभी एतराज नहीं किया। क्यों? ये सच्चे मुहिब अहले बैत थे। चले 8-10 अफराद की सुभान अल्लाह पे गुजारा करते हुए मैं इस पे दलील दे देता हूं, मैं इस पे दलील देता हूं। ये है ये है मस्जिद नबी शरीफ। तुसी किधे साड़ी गुलजारे मदीना च बैठे होंदे तो फिर चुप होके बखांदे। समझ आई है ना? सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर, और मिंबर पर कौन है? आशिक अकबर, सिद्दीक अकबर, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुतसद्दिकीन, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अल आतिक रदियल्लाहु अन्हु। मिंबर पर पहली सब में मौला अली, मौला अली की गोद में शबीह रसूल हसन मुश्तबा, सिद्दीक पाक वाज जारी के रखे हुए हैं। शहजादे ने उठकर बड़े हसीन लहजे में कहा उठिए ये मेरे नाना का मिंबर है। जे तुसी इंतजामिया आ रहे हो तो फिर भी सुभान अल्लाह कह दो, अगले साल नहीं आते थोड़े को, कोई ऐसी गल नहीं है। इंतजामिया आ रहे भी सुभान अल्लाह कह दो। गुजारी ये कर रहा हूं उठिए ये मेरे नाना का मेंबर है। ये शौकते इस्लाम की मस्जिद के खतीब को नहीं कहा जा रहा, ये रसूलुल्लाह के नायब को, मोमिनों के अमीर को, सहाबा में सबसे अफजल को, जिसके लिए फरमा सबका ईमान एक तरफ, अबू बकर का ईमान एक पलड़े में रख के तोला जाए, अबू बकर के ईमान का वजन बढ़ जाए, सब सहाबा जिसकी तकरीम करें और हुजूर जिस सिद्दीक को इतनी इज्जत दें कि गली में आते हुए सहाबी को देखा फरमा पीछे हट, पीछे हट, तू नहीं देख रहा तू किसको पीछा कर रहा है। जिससे अफजल बंदे पे आज तक कभी सूरज तलू नहीं हुआ, वो कहते हैं मैंने पीछे मुड़कर देखा एक कौन है पागाड़ा जिन्हों हुजूर कांड नहीं करन दिंदे। कहा जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो सिद्दीक अकबर आ रहे थे। उस जाते बाबरकात से हसने करीम ने कहा उठिए ये मेरे नाना का मिंबर है। हजरत सिद्दीक पाक मिंबर से नीचे उतरे, मिंबर से नीचे उतरे, अली पाक की गोद से हसन पाक को उठाया, मुंह चूमा, गले से लगाया। हजरत मौला मुर्तजा ने कहा अमीरुल मोमिनीन कहीं आप ऐसा ख्याल ना कीजिएगा कि ये अल्फाज बोलने की तरगीब कोई हमने दी होगी। वैसे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिद देहलवी ने यहाँ हाशिया कमाल का चढ़ाया। शाह अब्दुल अजीज कहते हैं पोतियाँ दोतियाँ नाने दादे दी चीज़ दी ओंजी बड़ी पहचान होती है, और ये तो वैसे ही गोद में बैठे रहते हैं मिंबर पे, इनको नहीं पता। तो कहा मत समझिएगा कि ऐसा बोलने को कोई हमने कहा होगा। सिद्दीक अकबर फरमाने लगे ए अबुल हसन, मौला अली की कुनियत, आप तकल्लुफ न कीजिए, शहजादे ने कौन सा कुछ गलत कहा है? अल्लाह आपको जजाए खैर अता फरमाए। शहजादे ने कौन सा गलत कहा है? सच ही तो कहा है।
ये मिंबर भी इनके नाना का है, ये अबू बकर भी इनके नाना का है। मोहब्बत, और लगे हाथों एक रिवायत और सुनिए, ये है हुजरा अमीरुल मोमिनीन जो हुजूर का मुरीद भी है मुराद भी है। पूरे साहबा विचो कल्ला है जिन्हों हुजूर ने रब को मंग के ले आए, और वो है सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। चिश्तियो, कुछ खबर भी है कि ये जो हुजूर गंजे शकर हैं ये फारूक आजम की औलाद पाक है। नक्शबंदियो, पता है कि बर्रे सगीर में मुजद्दल फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी ने जो गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वो मुजद्दिद कौन है? वो फारूक आजम की औलाद में से है। ये अपने हुजरा शरीफ में है, हजरत इमाम हसन आए सामने, इनका बेटा हजरत अब्दुल्ला इजाजत मांग रहा, अब्बा जी अंदर आ जाऊं? फरमा नहीं, हम बिजी हैं, फिर आना। इमाम हसन पाक ने सुना वहीं से पीछे पलट गए कि बेटे को इजाजत नहीं मिली तो हमें कहाँ मिलेगी। हजरत उमर पाक को पता चला कि हसन पाक आए थे, अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन से मिले और मिलकर कहा, शहजादे आपके आने की खबर जाने के बाद हुई, लेकिन बिना मुलाकात के क्यों चले गए? कहा आपका बेटा इजाज़त मांग रहा था, आपने उसको इजाज़त नहीं दी, फिर मैंने इजाज़त मांगना पसंद ना किया कि आपको बिला वजह तंग किया जाए और कामों में मुखिल हुआ जाए। हजरत उमर पाक का जवाब सुनना और अपना जवाब देना। उमर पाक फरमाने लगे, आपको किसने कहा कि आप इजाजत के पाबंद हैं? सच्ची गाले सुनियो, सच्ची गाले, बिला धड़क सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप। आपको किसने कहा कि आप इजाजत के पाबंद हैं? फिर अपने सर पे हाथ फेरा, ये अरब का तरीका है, फिर अपने सर पे हाथ फेरा, कहा आपके सिवा ये बाल किसने उगाए? इस अरब के मुहावरे का मतलब यह है कि हमारे पास जो शाने हैं वो हमारी जाती कमाई हुई नहीं, आपके नाना जान की अता फरमाई हुई है। लीजिए, ताकत अल्लाह को पसंद है तो तीन रवायतें कर लेते हैं। अभी भी वैसे भी वक्त है, नहीं नहीं तो बड़ा वक्त जारी, इन बे वक्त आन पड़ा है, तवज्जो है आप हजरात की, सुने। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो, सबसे ज्यादा हदीसों के रावी, असाबे सुफा का बेहतरीन स्टूडेंट, सुफा एकेडमी का, महबूब के राजों का मारम, गैरतमंद दरवेश, सही मुस्लिम है ना, वो तो आप पढ़ते हैं ना वो हदीस, वहां से शुरू होती है कि वो जो तकरीरों के अंदर कि वो भूख लगी हुई थी तो पूछा सदका किन के लिए होता है तो प्याला आया, पर इससे पहले भी तीन चार लेने हैं। फरमाते दो तीन दिन का फाका त्यों जी साड़ी रूटीन सी, असाबे सुफा अजी हूं भी जाके मदीना शरीफ जरदा ही लभदे हैं, समझाइए। मैं होटल चो निकलिया या हम लोग होटल चो निकलिया, मेरा दिल कीता कड़ी खान, मैं कहा मदीने वाले बुलाया है तो कड़ी भी खिला, ओए हुण इत्थे भी कड़ियां ही मंगनियां ने, मदीने जाके की मंगना है? इमाम अहमद रजा को सीखो, चौदहवीं सदी का मुजद्दिद, बहरे इश्क का गोता जन, इश्क और गैरत की दुनिया का बादशाह इमाम अहमद रजा जब दूसरी बार रोजा अनवर मुनव्वर पे हाजिर हुए, मवाजा अकदस के सामने सुनहरी जालियां नीवी पा के एक कोई गल की थी, हजूरी कोई गल है, जागदियां ते सिर दियां अखां नाल दीदार करना है, लसियां जरदे ते कढ़ाई शढ़ाई उत्थे भी लभदी है, तुहाडी दित्ती होई है, ये जुमले मेरे हैं, दीदार चाहिए। पहले दिन बैठे रहे, अगला दिन आ गया,
मदीने शरीफ गए हुए लोगों याद करो, हम कितनी देर मदीना पाक रोज़ा अनवर के सामने मुअद्दब बैठे रहे। 15-20 मिनट गुजरते हैं, हजरत अदब फारिग, इश्क महवे आराम, बगल में जूता और हजूर को सलाम करने गया है, बाबुल बकी पे जूतों की ठप 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 जारी, और अंदर हाल यह है कि मोबाइल कैमरे की जो आवाज़ है तस्वीर खींचने की उससे शोर उठ रहा है। ये हमारा इश्क है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला की बात आपको बता रहा हूँ, वो इमाम अहमद रज़ा की। दूसरी रात भी गुजरी, फिर आई तीसरी, आला हज़रत हाजिर रहे, दुरूद व सलाम पढ़ते रहे, और फिर तीसरी शब लिखा, वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, हर चरागे मज़ार पर कुदसी कैसे परवानावार फिरते हैं, लाखों कुदसी हैं काम खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं, फूल क्या देखूँ मेरी आँखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। और फिर आगे क्या कहा, इस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, इस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, मांगते ताजदार फिरते हैं, अब आई आजजी की मेराज, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, आजजी की मेराज है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। क्या जवाब है, तेनु तीन दिन हो गए दीदार करना दीदार करना, तू कौन उन्हें, ये अपने आप से कह रहे हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, देखो तुझसे नहीं कहा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, यही तो बात है, जिन्ना नीवे होंदे जावांगे उतना कर्म मिलता जाएगा। जब अहमद रजा ने ये लिखा, सारे पर्दे उठ गए, सर की आंखों से जागते हुए सैयद आलम का दीदार पाया। बात चली थी असहाबे सुफा की, अजाबे सुफा की, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, दो दो तीन तीन दिन फाके तैमी जी गल सी, ते फरमाते हैं कभी इंज भी होना, इन्नी भुख लगनी के पेट जमीन पे लगा देना मैंने, खाली पेट को जमीन पे लगा देना, लेकिन जिसके लिए मैंने आपको इतना फिराया है इस हदीस को बयान करने के लिए, वो मेरा मकसूद ये इतना सा हिस्सा था। फरमा मंगया मैं कभी नहीं किसे को, लो जनाब यही कमाल है, मंगिया उस दिन भी नहीं, समझ गए। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हो मदीना पाक है, इमाम हसन को उठाया, इमाम के कदमों पे मट्टी लगी थी, हजरत अबू हुरैरा ने आस्तीन से कदमों की मट्टी साफ करना शुरू कर दी। क्या बात, आगे अली का बेटा है, तहजीब व तमद्दुन का बादशाह है, हजरत इमाम हसन ने कदम खींचा, चचा ये आप क्या कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने कहा, बेटा आप मुझे मना भी करोगे तो मैं तब भी करूंगा, मना भी करोगे तब भी करूंगा, आपकी जो शाने मैं जानता हूं सारे मदीने वालों को पता लग जाए, ते तानू जमीन ते कोई पैर धरन ही ना दे, मोढ़िया ते चुकी फिर। इस जहां में जिस जिसको देखें, और चार यारों का पूरा कर लो, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन, मुसनद अहमद की हदीस है, हर उम्मत का एक उस्ताद होता है, मेरी उम्मत का उस्ताद इब्ने मसूद है। इब्ने मसूद फरमाते हैं, मेरे नजदीक मोहब्बत अहले बैत में एक साथ गुजर जाए, मोहब्बत अहले बैत में एक घड़ी का गुजरना एक साल की इबादत से अफजल है। समझ गए आप, हम कहाँ थे। अच्छा भला याद है, अच्छा भला याद है, हजरत इमाम हसन, मैं ये बता रहा था, किसी ने नहीं कहा कि इनको ना आने दिया जाए, कभी किसी ने नहीं कहा। चलिए एक कदम आगे बढ़ाइए, अब ये बकिया मिनटों में जो बेहद जरूरी चीज है वो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इमाम करबला तक कैसे पहुंचे, रीजन क्या है, सबब क्या है, और ये तो चंद मिनटों में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, गौर कर लें। 60 हिजरी को यजीद तख्त हुकूमत पर बैठा, खत लिखा गवर्नर मदीना को कि मदीने वालों से मेरे लिए बैत लो, और तीन बंदों से स्पेशली बैत लो, एक इब्ने जुबैर,
दूसरे इब्न उमर और तीसरे इब्न अली। बैत करें ठीक, ना करें कत्ल भी करना पड़े तो कर दो, ये यजीद का पहला आर्डर है। हजरत इमाम को गवर्नर मदीना ने कहा मुझे ये हुक्म आ गया है, फरमाया ना वो इस काबिल है कि उसकी बैत की जाए और ना हम करेंगे। सुभान अल्लाह, नहीं करते, क्या बात, नहीं करते, छुप छुपा के नहीं कहा, अलग ऐलान कहा। लेकिन मदीने से मक्के क्यों आए, मालूम था कि हम पर हमले के लिए फौज भेजी जाएगी और चाहते नहीं थे कि हमारी वजह से मदीने वालों को तकलीफ हो। करीम है ना, करीम है। आगे मक्का, मक्के वालों ने आंखें बिछाई राह में, रोज हुजूर इमाम की बजम सजती, लोग ज्यारत भी करते, मीठे बोल भी सुनते, मारूजात भी पेश करते, मसाइल भी अर्ज करते, मुश्किलें भी हल होती। ये खबर चलेगी कूफा और पहली मीटिंग हुई सरद बिन सुलेमान के घर के, इमाम को कहा गया बैत करो और इमाम वहां से मक्के आ गए तो क्यों ना हम उनको बुलाएं कूफा में, हम उनके पुराने उनके वालिद के चाहने वाले हैं तो हम उनको अपना पेशवा बनाएंगे। खतो कदाबत शुरू हुई, 150 खत उस दौर में जब डाक का निज़ाम इतना फास्ट नहीं था। वो कूफा से मक्का आया और ये 150 बंदों ने नहीं, कबीले बरादरियों ने लिखा। उसका मजमून क्या था, हमारा इमाम कोई नहीं, पेशवा कोई नहीं, आप आइए हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, हम मौजूदा गवर्नर के पीछे जुम्मा और ईद भी नहीं पढ़ते, आप मेहरबानी कीजिए, फल पक गए हैं, कूफे का मौसम अच्छा है, फसलें लहलहा रही हैं, हमारी आंखें आपका रास्ता देखती हैं, हम रोज़ हिजाज के रास्ते पे खड़े होकर आपको तकते हैं। ये खतूत के मजामीन हैं। हजरत इमाम जाने का इरादा करते हैं, मक्के वाले सहाबा पाक और फैमिली के लोग मना करते हैं कि कूफा वाले बेवफा हैं, आप ना जाइए। तय हुआ कि सफीर भेज दें। हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया और लिखा, मुस्लिम बिन अकील को भेज रहा हूँ, ये हालात अपनी आंखों से देखेगा और इसके हाथ पर बैत, मेरी बैत तसव्वुर की जाएगी। अगर ये मुतमईन हुआ और मुझे इसने लिखा तो मैं खत के पहुँचते ही मक्का से चल पड़ूंगा। चुनाचे मुस्लिम बिन अकील आए, 2 से 3 दिन में 18,000 कूफियों ने हजरत इमाम की बैत की मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर। यह खबर गई दमश्क, यजीद गया हिल, उसने कूफे के गवर्नर को माजूल किया, बसरे के बद किरदार गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफा की गवर्नरशिप दी। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बरादरी के सरपंचों को डराया, धमकाया, लालच दिया, ऐ 2-4 काम चल देने, पैसा, ओदा, डर। करबला वालों को तीनों की जरूरत नहीं थी, परौणियों परौणियों, सुभान अल्लाह, समझ आ रही है जल्दी, करबला वालों को तीनों की जरूरत नहीं थी, ओहदा जन्नत की सरदारी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बेबस लोग नहीं थे, मजलूम थे, मजबूर नहीं थे, खबरदार कोई उन्हें मजबूर समझे। पानी आजमाइश है, भूख आजमाइश है, शहादतें आजमाइश है, और ये कहना और ये समझना कि पानी उनके कब्जे में ना था। हजरत अफ्रीका फतह हुआ और पहला लश्कर अफ्रीका गया, या उनका नाम नाफे बिन उकबा है या उकबा बिन नाफे है रदी अल्लाह अन, हजूर के सहाबी हैं। पानी खत्म हो गया तो रुफका ने कहा सैयदी पानी खत्म है, क्या करें? सरकार के सहाबी पाक ने फरमाया परेशानी की जरूरत नहीं, 2 रक्तों की नियत बांधी, 2 अफ्रीका है अफ्रीका, 2 रक्तें पड़ी, उसके बाद दुआ मांगी, मौला तेरी राह च निकले हाँ तो पानी कोई नहीं। दुआ मांग के हटे, उनका घोड़ा दरख्त से बंधा था, वो उछलने लग गया, घोड़े ने जमीन पर मारा पैर, वहां से निकल आया पानी। आप मुतवज्जे हुए कि नहीं हुए? अल्लाह और रसूल अल्लाह भी सवाब।
सहाबी पाक दुआ मांगे, घोड़ा जमीन पे एड़ी मारे, पानी निकलता है। क्या ख्याल है जन्नत के वारसों के बारे में? अली असगर की एड़ी की रगड़ से जमजम निकल सकता है, क्योंकि हजरत इस्माइल की औलाद है। मुश्किल नहीं है, लेकिन बात यह है कि यह तस्लीम और रजा का मकाम है। कौन सा मकाम है? लो जनाब, अब यह भी अर्ज करूं, तस्लीम और रजा का मकाम कौन सा होता है? तस्लीम और रजा का मकाम यह है कि नमरूदी आग लगा चुके और आग औकात से ज्यादा लगा चुके, और अब देखते हैं कि खलील को आग में कैसे डालें। शैतान ने पहली मर्तबा गोफन, जिसकी जदीद शेप तोप और तोप से भी आगे मजाइल है, वो आला वो बना के दिया कि इब्राहिम को इसमें रखो और एक जंप लगाओ तो ये आग में चले जाएंगे। मंजीक बनाई गई गोफन, खलील रहमान उसमें है, सामने आग है। तस्लीम और रजा समझना, करबला समझ में आ जाएगी। हवा का फरिश्ता आया, हजूर को साढ़े लैक काम, फरमा कोई नहीं, कोई नहीं। बारिशो पानी का फरिश्ता आया, खलील पाक गोफन में बैठे, थोड़ा फासला है आग का, अभी आग में पहुंचने को है। हजूर साढ़े लैक कोई काम लाओ, फरमा कोई काम नहीं। अब आ गए जिब्रील पाक, ना क्या प्यारे हो, बड़ी तगड़ी अग बलदी पई है, साढ़े लैक को खिदमत, फमा कोई नहीं, तो आड़े लैक तो मैं दंदसी हुई है, का कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जबरील वरता हैरत में है, अर्ज की हवा आले नु भी तुसा मोड़ता है, तो मीह आले नु भी मोड़ता है, तो मैनू भी आंदे पे हो तेरे नाल कम कोई, तो कम के दे नाल है। फरमाया अल्लाह दे नाल। जिब्रील अमीन ने यकदम कहा, फिर अल्लाह से अर्ज कीजिए, तोड़ी केड़ा मुड़नी है। अब खलील पाक का जवाब सुनिए, और माशाल्लाह स्टेज पे कसीर हज़रात हैं और गली वाले भी हैं जो दाएं बाएं खड़े हैं। अब आप अपना हिस्सा डालिए बोलने में, बाकी इस्तराहत करें। जुमला सुनिए, आप रब से कहिए ना, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील मेरा रब मेरी हालत को नहीं जानता, नहीं जानता। उन्हें कहा जानता है, तो ना कहा आखी दा त्यों नुए जिन्हों पता ना होवे, उसको तो पता है कि खली ते ओदे वास्ते ही ना अग बाली है, मैं ओदे ना दा औखा दिता है, उन्हें आख्या तू साडे खुदा तोड़ते अग बालो ते असा बह गया जनाब, उसको तो पता है। कहा उसको जाता है जिसको पता ना हो। और अगली बात, जे सजना की मर्जी है कि सड़ जाइए तो तैयार बैठे हैं, और अगर उसकी मर्जी है कि बच जाए तो मेरा आग कुछ बिगाड़ सकती ही नहीं है। करबला वाले तस्लीम और रजा के मकाम पे थे कि कहना भी नहीं है, कहना भी नहीं है, कहना भी नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे क्या कर रहा था, वो सरकार मुस्लिम बिन अकील की बैत हो चुकी 18,000 में, उन्होंने खत लिख दिया कि कूफा वाले तो बहुत अच्छे हैं, बड़े बढ़िया हैं, आप जल्दी आइए, हजरत इमाम मक्का से चल पड़े। समझ गए आप यहां तक? चल पड़े। और फिर यहां गवर्नरशिप बदल गई, और मुसअब बिन अकील के हमायती घटने लग गए। किताबों में दर्ज है, एक दिन नमाज के वक्त 80 बंदे थे 18,000 विचों, और जब सलाम फेरा तो एक भी नहीं था। अब अगली तवालत का वक्त नहीं, इसको एक तरफ रखें। हजरत इमाम चल पड़े, मुसलम बिन अकील शहीद कर दिए गए। हजरत इमाम को रास्ते में खबर मिल गई, सफर फिर जारी रहा, आगे मिल गया हुर 1,000 बंदों के साथ।
का आपको इब्ने ज़ियाद के पास ले जाना है। क्यों? मुझे तो कूफा वालों ने खुद खत लिखे कि मेरी बैत करेंगे। हुर ने कहा मुझे इलम नहीं है कि आपको किसने खत लिखे। आपने फरमा खैमे से थैला लाओ, लाए सारे खत खोल के दिखाए। कहा हुज़ूर मुझे नहीं पता, आप चलते रहें मैं भी चलता रहता हूँ, रास्ता वो इख्तियार करें जो ना मदीने को जाता हूँ ना कूफे को। मैं इब्ने ज़ियाद को लिखता हूँ, देखता हूँ कि नेक्स्ट आर्डर क्या आता है। इस आवाजावी में ये हुआ कि इमाम आली मर्तबत 61 हिजरी की 2 मुहर्रम को खुले मैदान में पहुँच गए। पूछा इस जगह का क्या नाम है, का करबला है। फुमा बस फिर ठीक है, लगाओ खेमे रखो कजावे, मंजिल आ गई है। फिर आया इब्ने साद, ये मेरी बात अभी रिजल्ट हमने निकालना है, गौर कीजिएगा। फिर आया इब्ने साद, हजरत इमाम ने उसको भी कहा कि मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया है, मेरी बैत नहीं करनी, तेसी कड़ा तरले कर दें, वापस चले जाते हैं मदीना शरीफ। उन्हें कैसा नहीं हो सकता, फिर 9 मुहर्रम आ गई, हमला कर देंगे, कहा आज की रात इबादत के लिए दे दो। फिर 10 मुहर्रम आ गई, अब आप बतलाइए, खुरूज किया, चढ़ाई की, फोर्स लेके निकले, कहाँ खुरूज था, कहाँ चढ़ाई थी, कहाँ फोर्स थी। 6 माह की कलियां लेकर गए कि अकीदत मंदों के घर जाना है। नहीं समझ आई ना जी, यूं कह लो कि पीर मुरीदों की तरफ जा रहे हैं, आगे से मुरीद बेवफा हो गए, और इमाम को फर्जदक शायर मिला रस्ते में, फरमा कूफे से आ रहा, क्या हालात हैं कूफे के। कहा हुजूर कूफे वालों के दिल आपके साथ हैं, तलवारें हुकूमत के साथ हैं, और फैसले अरशों से नाजल होते हैं। बहुत बड़ी बात की फर्जदक शायर ने। अब आप बताएं, पहला सवाल करने लगा हूं, हजरत इमाम ने यजीद की बैत की? बोलिए, जब बैत ही नहीं कही की तो बगावत किसका नाम हुआ? अल्लाह करे के समझे आप, बैत ही नहीं की तो बगावत किसको नाम देते हो? जब अमीर व हाकिम ही नहीं माना तो बगावत किसका नाम है? और दूसरी बात, इब्ने जरीर ने यह लिखा, इब्ने कसीर ने यह लिखा, इब्ने खल्दून ने यह लिखा, वगैरह वगैरह वगैरह, सब एक तरफ रखे। टाइम उस नाज पर आ गया कि हम रिजल्ट निकालें, और यह जरूरी है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी जुमे के दिन हुजूर खुद करबला में थे, दलील हम देंगे, सरकार करबला में थे। अब रिसर्च करनी है कि हुजूर किसके साथ थे। लीजिए जनाब, फिर रिवायत सुनिए। सैयदातुना उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको हुजूर ने करबला की मट्टी दी थी, उनके ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। इमामे पे सफर के आसार, रीश पाक पे सफर के आसार, लिबास अतहर पे सफर के आसार, जैसे गर्द पड़ती है, हाथ में शीशी, उसमें खून। सैयदातुना उम्मे सलमा ने कहा मेरा माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर ने क्या हाल बनाया है? फरमाया आज सारा दिन करबला रहा हूँ, अपने अहले बैत का खून जमा किया है, मेरी उम्मत ने हुसैन को शहीद कर दिया, ये हुसैन इब्ने अली का खून है। यकीन मान लीजिए, जब मैं अगली सतर पे आता हूँ तो हर जगह रुक जाता हूँ, अगली बात बंदे को हिला देती है। फरमा उम्मे सलमा ये हुसैन का खून है, अब ये खून लेकर मैं अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ। अब आप बतलाइए 10 मुहर्रम को हुजूर किसके साथ थे? ओ हुसैन के साथ हुजूर हो, अब भी कहोगे बागी है, अब भी कहोगे खुरूज है, अब भी कहोगे सियासी लड़ाई है, अब भी कहोगे ओहदे का हुसूल था। खुदा का खौफ कीजिए, जिनको रब ने दीन दुनिया आखरत की बादशाहियां दी हैं, माल माल जिन्होंने कभी जमा रखा ही नहीं। लो जी, फिर एक सखावत का वाकया सुनिए, सखावत का वाकया सुनिए, बहुत ज्यादा तो नहीं थक गए, सखावत का वाकया सुनिए।
हज़रत इमाम का आस्ताना, अब वाकया मदीना पाक का। एक बंदा आया देहात से, गुर्बत अमीरी के बाद आ गई गुर्बत, सफ़ेद पोश हो गया, हज़रत इमाम के आस्ताने पर हाजिर हुआ। उसने शेरों की सूरत में अर्जी लिखकर भेजी। उस अर्जी और दरख्वास्त तो एप्लीकेशन का पंजाबी तर्जमा अगर सुनेंगे अरबी में सुभान अल्लाह कहने के लिए तो सुनाऊं तर्जमा सुनाऊं आपको, सुने। उसने उसमें लिखा कि मैं चंगा भला बंदा सी जी तो गरीब हो गया, हूँ मुँह लुकोना फिरना है, घर च गुरबत ते फाका है, मंगा के दे कोलो। ये तो इज्जत बेचने वाली गल है, ये शेरों का मफहूम सुना पे है, मंगा के दे कोलो, ये तो इज्जत बेचने वाली गल है। तो जे कोई इज्जत खरीदने वाला भी मर्द लभ जाए तो आम ही गल एडी कोई नहीं होंगी, बंदा सवाल कर ही लैंदा है तो मैनू किसी ने तुहाडा दस्या है। बल्ले 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 बल्ले, मैनू किसी ने तुहाडा दस्या है कि सवालिया की इज्जत चंगी रख लेंदे ने। मेहरबानी करो जी, मैनू पैसों की लोड़ है, तुहाडी शफकत चाहिए है। हज़रत इमाम का जवाब कोई ना आया अंदर से, उसने दोबारा अर्जी लिखी, फिर शेरों में लिखी। अब उसने क्या कहा तर्जमा सुने, उसने कहा हूँ मैं वड्डे रौले च पै गया, हूँ मैं जाना है वापस पिंड, कल्ले कल्ले मैनू पूछना है सुना। हाय 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 हाय, सुना की बनया, जे मैं उन्होंने आख्या कि मैं तुसा कुछ दिता है तो झूठ होएगा, तो जे मैं ये आख्या कि मैनू उन्हें कुछ नहीं दिता उन्हें मेरी मननी नहीं। अली के बेटे के दरवाजे पर गए, खाली आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी देर गुजरी, हजरत इमाम ने 10,000 दिरहम और 7 शेरों में जवाब। अब इसका तर्जमा सुनिए, फरमाया तू पा दीती है काली, हूँ इन्ने इन्ने 10,000 दे के भी आने इन्ने इन्ने 10,000 दिरहम इन्ने इन्ने रह गई गल ए कि पेंड आलिया नू की आखना है, तो पेंड आलिया नू इन्ना ही आखना है, तू ये समझ लेना कि मैंने किसी को कुछ कहा नहीं और हम ये समझेंगे हमने किसी को कुछ दिया नहीं है। किस चीज की जरूरत है? लिहाजा रिक्वेस्ट से भाई जी, जिन्होंने यजीद की बैत की नहीं, बगावत कैसे उसका उन्वान हो सकता है? वो इमाम बरहक तो नहीं है, वो खलीफा बरहक तो नहीं है, वो खुद सहाबी तो नहीं है, और कोई अच्छी रेपुटेशन का मालिक तो नहीं है, और हम तो वैसे भी यजीद को हुसैन के मुकाबले में ला खड़ा करना बेअदबी समझते हैं। यजीद की क्या औकात है कि हुसैन इब्ने अली के सामने वाली तकड़ी के पलड़ू में तोला जाए? उसकी औकात ही क्या है, हैसियत ही क्या है? सरकार फरमाते हसन और हुसैन अर्श की दो तलवारें हैं, कोई तकाबुल ही नहीं है। माशाल्लाह, हजरत क़िबला उस्तादुल उलमा साहिवाल शहर से इल्म व फजल का रोशन मीनार, अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब रौनक अफरोज़ हुए, अहलन व सहलन मरहबा। और आपके बैठते बैठते तकरीर ख़त्म हुआ चाहती है, अर्ज़ खिदमत ये है, आखिरी सतरें, अर्ज़ खिदमत ये है, आपने नज़रिए और अकीदे को बिल्कुल ही कच्चे धागे की तरह कमज़ोर ना रखें, मजबूत रखें। थोड़ा थोड़ा हवा का झोंका आए, किधर से किधर हो जाएं, बस इतना सोच लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम। जिस आल पर नमाज में दुरूद पढ़ते हो, कौन है जो उस आल को बागी कहने की जुर्रत करे? उन पे किसी किस्म का धब्बा और इस किस्म की बात की जाए, हरगिज़ नहीं। अकीदत की गर्दन खम रखिए,
मोहब्बत उनके साथ, मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार रखिए। और लास्ट बात, करबला का पैगाम, सख्त मुश्किलों के बीच भी किसी एक हुसैनी ने नमाज नहीं छोड़ी। आओ 10 मुहर्रम को इमाम को न्याज पेश करें कि हम भी 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। शाम की गलियां गवाएं, नेजे पे कुरान पढ़ा। आओ नेजे के कारी को नजर पेश करें कि हम भी रोज कुरान कसमा चुकन वास्ते नहीं, पढ़ने समझने और अमल करने के लिए है। कुरान शरीफ पढ़िए, तर्जमे से पढ़िए, तर्जमा आला हजरत का कंजुल ईमान पढ़िए। और मैं अपने तमाम इन बुज़ुर्गों को अंजमन फिदायान रसूल के, हमारे तो जनाब हम तो खुद छोटे छोटे होते थे जब इस महफल में शिरकत करते थे, तो आज हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब ने बताया कि 50 साल हो गए खिराज तहसीन पेश करते हैं। हाजी साहब आपको, आपको सारे बुज़ुर्गों को अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी और जो आपसे पहले गुजर गए उनकी बड़ी मेहनतें, और ये मेहनतों का रंग है कि दीवाने माशाल्लाह सुबह से शाम तक रज़ा चौक में करबला वालों की रज़ा पाने के लिए डेरा लगा के बैठे रहते हैं। दुआ गोएं कि ये सिलसिला जारी और सारी रहे, नूर बरसाता रहे। वमा अलैना इल्लल बराकुल मुबीन। हम सब की खुशकिस्मती है मुनाज़िर इस्लाम और मुसन्नफ़ कुतुब कसीरा हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब नूरी दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ ले आए हैं। अभी इंशाल्लाह आपका खिताब शुरू होगा। आपके खिताब से कबल आपके साथ आए हुए सनाखान मुस्तफ़ा जनाब हाकिम बलोच साहब हदिया अकीदत पेश करें। सारे भाई मिल के दुरूद शरीफ पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उस रब ते रब दे यार वाली हर शान हुसैन तू सुनी, बन नौकर हाकिम हथ बन के फरमान हुसैन तू सुनी, बन नौकर हाकिम हथ बन के फरमान हुसैन तू सुनिए। दो जग दे अंदर हथ वाला हुसैन तू सुनिए, ऐ कारियो आवो अज मिल के कुरान हुसैन तू सुनी, ऐ कारियो आओ अज मिल के कुरान हुसैन तू सुनिए। भला गलुला बे कमाल ही कशफ दो जहा बे जमाल ही, हसनत जमी खिसाल ही मुकद्दर अला बोले सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो। हा
हर एक चीज बनी है मेरे नबी के लिए, हर एक चीज बनी सजी है मेरे नबी के लिए, ये कायनात सजी कसम अली की, अली है मेरे नबी के लिए, कसम अली सना खुदा ने भी की है मेरे नबी के लिए, सना खुदा ने भी की आखिरी शेर पढ़दा पिया, मेरी हाजरी पूरी कर छोड़ो। सुभान अल्लाह। जमीनों कलबो बला में हुसैन की गर्द, जमीनों कल कसम खुदा की कटी है मेरे नबी के लिए, कसम खुदा की कटी सजी है मेरे नबी के लिए।
گرامی قدر حضرات، جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، اب یہ نشست کا مرکزی خطاب ہے مناظر اسلام حضرت علامہ غلام مصطفیٰ صاحب نوری. آپ انشاءاللہ اپنے ایمان افروز انداز میں ذکر امام پاک شہادت کربلا بیان فرمائیں گے. اور آپ سب حضرات کو اس محفل کے معمول کا بھی پتہ ہے، نماز عصر کی اذان گفتگو کے دوران ہوگی، اذان کے لیے خاموشی ہوگی، اس کے بعد بیان جاری رہے گا. نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی، خطاب کے بعد انشاءاللہ باجماعت نماز مسجد میں ادا کی جائے گی. تمام حضرات پورے ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے گا. نعرہ تکبیر بابا زبلند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شہدائے کرب و بلا،